हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निर्मल वेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए हमने 2 किलो आम को लिया है, जिसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अच्छे से वॉश करके हमने इनके ऊपर का पीसेस निकाल दिया है। आप चाहे तो इन्हें बाजार में कट करा सकते हैं, हम बिना गुठली का बनाएंगे इसलिए हमने घर में इनको कट किया है। उसके लिए हमने कुछ मसालों का इस्तेमाल किया है। इन मसालों की क्वांटिटी और नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो आम का अचार बना रहे हैं उनको हम धूप में नहीं सुखाएंगे। कुछ लोगों के घर में ये प्रॉब्लम रहती है, धूप नहीं आती तो वे अचार नहीं डाल पाते। हम ये इंस्टेंट आम का अचार बनाएंगे, जिसके लिए जो ये मसाले लिए हैं हमने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है। आप परात या बड़ी थाली या कोई भिगोना ले सकते हैं। इसमें हम अपने सभी मसालों को डाल लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम घर में अचार बना रहे हैं तब कभी हमें उसका जो भी हमारा पल्प निकलता है आम का, जो उसकी फांके निकलती है, दल निकलता है उसका, उसको हमें वेट करने की प्रॉब्लम रहती है। इसलिए हम आपको जो आम की दल की क्वांटिटी बताएंगे, उसको हमें बाद में उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कितना वेट है। पहले ही हम अपने सभी मसाले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर हम सेम वही मसाले इतने ही क्वांटिटी में मार्केट से ला सकते हैं। बाद में आम के दल को या फिर किसी भी चीज़ को तोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी तरीके से हमने आम के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। हम इस अचार को बना रहे हैं, इसमें करीब 1/2 लीटर तेल का इस्तेमाल होता है। जो अचार हम धूप में सुखा कर बनाते हैं उसमें कम तेल का इस्तेमाल होता है। हमने अपनी सभी मसालों को ऑयल के साथ मिक्स कर लिया है। अगर आप इस रेसिपी से आम का अचार बना रहे हैं तब आपका आम का अचार पूरे साल तरोताज़ा रहेगा। उसकी जो पीसीज होते हैं वो हमेशा जैसे कच्चे कच्चे खाने में लगते हैं वही लगेगा। इसको कच्चा आम का अचार भी बोला जाता है, लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। इस अचार को बनाने में मेन ध्यान एक चीज़ का रखना होता है, पूरे साल इस अचार के सभी पीसेज ऑयल के अंदर ही डूबे रहने चाहिए, ऑयल से बाहर नहीं आने चाहिए, वरना हमारा अचार ख़राब होने का डर रहता है। इस प्रकार हमने अपने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपनी सभी आम को डालकर इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के लिए हमेशा बड़े ही बर्तन का इस्तेमाल करना है, और अचार को डालने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है मेटल के बॉक्स का यूज़ नहीं करना है, बल्कि प्लास्टिक या कांच के जार में ही हम अपने अचार को डालेंगे। जो अचार का डब्बा होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे अचार की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना हमें उसमें फिर ज़्यादा ऑयल की आवश्यकता होगी। हमें ऐसे डब्बे में भरना है जिसमें हमारा अचार ऊपर तक भर जाए। आप चाहें तो अपने अचार के पीसेस को बाजार में भी कट करा सकते हैं, जिसको गुठली वाला अचार बोलते हैं। मैंने तो अपने अचार को घर में ही कट किया है और गुठली वाला नहीं बनाया है। अगर आप गुठली वाला अचार भी डाल रहे हैं तब भी मसालों की क्वांटिटी सेम ही होगी। ये इंस्टेंट आम का अचार है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ना ही सुखाने की प्रॉब्लम आती है। ये अचार पूरे साल तक ऐसे ही तरोताज़ा रहता है। हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक का जार लिया है, जो हम जार ले रहे हैं उसको हमने अच्छे से साफ़ करके सुखा लेना है। गीले जार में अचार नहीं डालना है, ना ही गंदे में डालना है, वरना हमारे अचार के ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने बॉक्स को ऊपर तक भरेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा तेल हम और ऐड कर देंगे। हम जब अचार डाल रहे हैं, शुरू में हमने अपने अचार में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बल्कि 2 से 3 दिन बाद हम इसमें तेल की क्वांटिटी देखेंगे। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत लग रही है तब हम इसमें अचार में और तेल डालेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद वो तेल उभर कर थोड़ा ऊपर आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका तेल डब्बे से बाहर निकलने लगे, तो बाद में जितने तेल की आवश्यकता हो आप बाद में 2 दिन बाद इसमें तेल को ऐड कर सकते हैं। अगर आप 2 किलो आम का अचार डाल रहे हैं तब उसमें करीब 1/2 लीटर ही तेल लगता है। टोटल तेल की क्वांटिटी इतनी ही होगी। आप इस प्रकार इंस्टेंट अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम इसको 1 साल से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके हाथ का आम का अचार ख़राब हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने अपनी पहली रेसिपी में ही बताया है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको सोडियम बेंजोएट नाम का एक पाउडर होता है, हाँ आप इसमें 1/4 चम्मच पाउडर ऐड कर सकते हैं और उस पाउडर को फिर उठाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर भी आप उसी पाउडर से आपको अपने अचार में डाल सकते हैं। आप किसी भी मिर्च का अचार बना रहे हैं, कोई भी अचार बना रहे हैं, उसी अचार में हम अपना ये पाउडर ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस प्रकार हम इंस्टेंट अपने अचार बनाकर हमारा तैयार हो गया। आप एक बार इस रेसिपी से अपने घर में अचार ज़रूर बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी रेसिपी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।